प्रणाम। आज हम आए हैं घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए गगन जी का टिल्ला, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि ज्वाला जी और छिंदपूर्णी, कृपया करके उन्हें भी देख लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। अभी हम बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो कहा जाता है कि गगन जी का टिल्ला का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, यानी महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास काटने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि अज्ञातवास में जाने से पहले तुम किसी सुनसान जगह की तलाश करो, जहाँ पर भगवान शिव शंकर जी की पूजा अर्चना की जा सके। तब पांडव भगवान श्री कृष्ण की बताई बात पर अमल करके सुनसान जगह की तलाश करते करते इन पहाड़ियों में पहुंचे थे। यहाँ पांडवों और द्रौपदी ने भगवान शिव शंकर जी की पूजा की। पूजा से खुश होकर भगवान शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और एक शिवलिंग देकर वरदान दिया कि भविष्य में जो यहाँ पर सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करेगा, उसकी हर इच्छा पूर्ण कर दी जाएगी। उसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने अज्ञातवास शुरू करने के लिए फेस बदलकर दसूहा शहर, जिसे उस समय विराट नगरी के नाम से जाना जाता था, में राजा विराट के दरबार में नौकरी की। अपने अज्ञातवास के दौरान प्रत्येक पूर्णमासी के दिन पांडवों में से कोई ना कोई भेष बदलकर इस पहाड़ी पर आकर भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास कलयुग के समय से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि कलयुग के समय में हिमाचल का एक राजा जब यहाँ से पहाड़ी के नीचे से गुजर रहा था, तो उसे पहाड़ी पर कुछ दिखाई दिया और राजा ने पहाड़ी के ऊपर जाकर देखा तो उसने वहां पाया कि एक पवित्र शिवलिंग है। राजा के घर पर कोई औलाद तो नहीं थी, इसलिए राजा ने यहाँ पूजा करके औलाद का वर मांगा कि यदि उसके घर पर कोई औलाद हो जाए तो वह हर पूर्णमासी के दिन यहाँ पर आकर हवन यज्ञ करवाएगा। कुछ समय के पश्चात राजा के घर पर एक लड़की ने जन्म लिया। तब राजा ने स्थान पर आकर हवन यज्ञ करवाने के पश्चात लड़की का नाम गगन रख दिया। तब यहाँ से यह स्थान गगन जी का टीला के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ पर तकरीबन 1500 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, जिन्हें आप चढ़कर ऊपर की ओर आ सकते हैं। ऊपर से बाहर के दृश्य बहुत सुंदर लगते हैं। बाहर के हरे भरे खेत, साफ आसमान और पवित्र हवा इस पावन धरती को और भी खूबसूरत बना देती हैं। ये यहाँ पर अगर आप कुछ मेहंदी लगवाना चाहें या कोई डिजाइन बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। ये मंदिर के बिल्कुल ही सामने बैठते हैं। अगर आप साइड में देखेंगे तो कई तरह के डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सृष्टि
यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी झूले वगैरह लगाए हुए हैं। मतलब अगर आपके साथ कोई बच्चा आता है, थक जाता है, तो यहाँ पर रेस्ट करके यहाँ पर झूले का आनंद ले सकता है। यह है इस प्राचीन मंदिर में दफ्तर है, जिसे हम कार्यालय भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कार्यालय से ले सकते हैं। अगर आपको इस मंदिर के लिए कुछ दान करना है तो भी आप कार्यालय में दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत बना मंदिर है ये, और काफ़ी भव्य इमारत बनी हुई है। ऊपर से पावन और शुद्ध हवा इसको और भी मोहक बना देती है। इस मंदिर में भगवान शिव शंकर के साथ साथ भगवान हनुमान, माता दुर्गा और श्री गणेश जी की पूजा भी की जाती है। आइए सबसे पहले भगवान गणेश जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। ये हैं भगवान शंकर के प्यारे नंदी जी। ये अब दर्शन करते हैं शिवलिंग के। यह है बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना हुआ है। लोग यहाँ पर आकर दूध और फूल का चढ़ावा चढ़ाते हैं, और यहाँ भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर, शांत वातावरण और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आकर आप बहुत शांति महसूस करेंगे